गाइस आज हम बनाएंगे चीजी कटलेट। ये बहुत ही टेस्टी होती है और मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया था। अब इनको हम एक फोक की मदद से इस तरीके से मैश कर लेंगे। अब इसमें एक छोटी प्याज को बारीक काट कर डाल देंगे। इसी के साथ 2 बारीक कटी हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, उनके किनारों को काट लेंगे। इनके भी हम छोटे छोटे पीस कर आलूओं में मिला लेंगे। ब्रेड को आलूओं में अच्छे से मिलाएंगे जब तक वो आलूओं में अच्छे से मिल ना जाए। फिर इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच सूखा धनिया डाल देंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। मसालों को भी अच्छे से आलूओं में मिला लेंगे। अब मैंने चीज के 2 क्यूब लिए हैं, इनको 2 टुकड़ों में इस तरह से काट लेंगे। अब एक आइसक्रीम स्टिक लेंगे और चीज के अंदर इस तरीके से डाल लेंगे। ध्यान से डालिएगा, चीज हमारी टूटनी नहीं चाहिए। इसी तरीके से हम बाकी चीज को भी तैयार कर लेंगे। अब एक स्टिक लेंगे और आलूओं के मिश्रण से चीज को कवर कर देंगे। देखिए इस तरीके से आप अपने मनपसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओवल शेप दिया है। तो देखिए हम बाकी के स्टिक को भी इस तरीके से तैयार कर लेंगे। मैंने सारी स्टिक को तैयार कर लिया है, अब हम इनको ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्टिक ली है, इस तरीके से ब्रेड क्रम से उसको कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम से कोटिंग हमें अच्छे से करनी है, कहीं से भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो चलिए हम जल्दी से बाकी के स्टिक को भी ब्रेड क्रम से कोट कर लेते हैं। सारी स्टिक कोट हो चुकी है, अब हम इनको फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और अपनी स्टिक को उसमें डाल देंगे। कढ़ाई में जितनी स्टिक आ सके आप उतनी ही डालिएगा, नहीं तो वे टूट जाएंगी। एक स्पून की मदद से ऊपर भी साइड से ऑयल डाल लेंगे, जिससे वो साथ ही साथ ऊपर से भी सिक जाए। चीज कटलेट एक तरफ से सिक चुके हैं, अब हम इनको पलट लेंगे। कटलेट बनकर बिल्कुल तैयार है, अब हम इनको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। देखिए बन गया ना, कितना झटपट नया नाश्ता। अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। आप इसको हरे धनिये की चटनी, सॉस या मेयोनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इनको आप गर्मा गर्म ही खाइएगा, ये मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएंगे और इनके अंदर जो चीज भरी है ना उसका स्वाद तो आप भूल नहीं पाएंगे और बार बार बनाकर खाएंगे। चलिए तो मैं इनको काट कर दिखाती हूँ, ये बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट और चीजी बने हैं। आ गया ना आपके मुंह में भी पानी, तो चलिए जाइए और बनाइए, सबको खिलाइए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए ये कैसे लगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।